स्वागत है दोस्तों गीक फनों में, और आज हमारा जो वीडियो है वो है माउसपैड के बारे में। तो जल्दी से हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं इसका, और अमेजोन से हम लोगों ने इसको परचेज किया है 499 में। देखिए इस तरह से ब्रांडिंग है अमेजोन बेसिक्स का, और लंबा डब्बा है ये। तो इसको हम लोग जल्दी से ओपन करते हैं और देखते हैं हमारा माउसपैड जो है, ये बड़ा वाला माउसपैड है 3 फीट वाला। तो इसका सारा चीज़ हम लोग देखते हैं, इसको यूज़ करके भी देखते हैं कैसा है ये। तो इस तरह से देखिए, ये इस तरह से पैकेट में है और लंबा काफ़ी है ये। ये एक छोटा सा टुकड़ा था, और ये इस तरह से देखिए, ये एंटी स्किड है आपका, इस पर फिसलेगा नहीं टेबल पे। इस तरह से लंबाई इसका हम लोग मेजरमेंट कर लेते हैं कि 3 फीट का ही है या उससे कम है। तो देखिए ये रहा हमारा मेजरिंग टेप, और ये 35 से ज़्यादा है। और ब्रेथ भी एक बार हम लोग मेज़र करते हैं। तो ब्रेथ में देखिए इसका ये चौड़ाई इसका लगभग 17 इंच का है, 17 इंच से ज़्यादा ही है। तो काफ़ी लंबा है ये, और टेबल पे गेमिंग वगैरह जो खेलते हैं उनके लिए काफ़ी बढ़िया है। अमेजन बेसिक्स का ब्रांडिंग है, क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। इसका हम लोग थिकनेस भी नापते हैं, तो टेप से नापने के बाद लगभग 3 mm का ये आ रहा है, तो थिकनेस भी काफ़ी बढ़िया है। तो चलिए इसको हम लोग अपना डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं इसका कैसा लग रहा। तो ये हमारा पुराना वाला कीबोर्ड और माउस था, 2 माउस मैं यूज़ करता था इस छोटे से आपको माउस पैड पे। तो इसको कोई यूज़ नहीं है, काफ़ी पुराना है ये। तो अब हम लोग इसको इस पे लगाते हैं और देखते हैं ये कैसा है यूज़ करने में। कीबोर्ड भी हमारा काफ़ी पुराना हो चुका है, लगभग ये 15-16 साल से ज़्यादा है। तो इस पे टेबल पे हम लोग इसको एक बार लगाते हैं। ये दोस्तों इस तरह से ये काफ़ी लंबा है और काफ़ी बढ़िया लग रहा है, फीलिंग काफ़ी बढ़िया आ रहा है टेबल पे। इसको रखने पे पूरा एरिया हमारा कवर हो जा रहा है, और कीबोर्ड भी इस पे आ जा रहा है, उसके बाद भी काफ़ी जगह बच रहा है। तो पहले काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था जब से सिस्टम हम लोगों ने अपग्रेड किया था। तो इस तरह से देखिए ये रहा हमारा कीबोर्ड, और माउस वगैरह भी हम लोग देख लेते हैं इस पर चला के कैसा फीलिंग आ रहा है। काफ़ी जगह है इसमें, देखिए ये रहा हमारा पहला वाला माउस, और एक और है हमारा वायरलेस माउस है। तो काफ़ी बढ़िया जगह हो रहा है, अभी गेम वगैरह खेलने में कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगा, और कीबोर्ड भी इसके आ गया है। तो अच्छा प्रोडक्ट है दोस्तों, मुझे अच्छा लगा, तो हम लोग मैंने परचेस कर लिया। सोचा इसका अभी शेयर कर दो वीडियो आप लोगों के साथ। तो 2 माउस भी मैं इस पर चला सकता हूँ इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी स्मूथ चल रहा है, फीलिंग काफ़ी बढ़िया आ रहा है इस पर। दोस्तों ये हमारा एक छोटा सा वीडियो था माउसपैड के बारे में, और गेमिंग वगैरह के लिए मैंने पहले भी बताया काफ़ी बढ़िया है, एडिटिंग वगैरह के लिए भी काफ़ी बढ़िया, स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है माउस मूवमेंट के लिए। DPI का आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो कम जगह में ही ये काम करता है, बट इतना जगह चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।